in this camp, I hope we will apply this learning in our life and we will help in building the nation by becoming a responsible teacher. Thank you so much, everyone. Thank you so much. ओके तो नेक्स्ट मेरे पास नाम आया है हर्षदीप सेक्शन सी आजाद हाउस. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ओके सो पहले तो आप कंफर्म कर दीजिए माय वॉइस इज क्लियर. यस योर वॉइस इज क्लियर बट यू आर नॉट विजिबल. ओके यू कैन कंटिन्यू विद योर वॉइस. ऑलराइट सो Good afternoon, everyone. पहले तो I will speak very slowly because right now I'm speaking not from my mouth but from my heart. ये experience मैं खुद के experience से बताना चाह रहा हूँ. मैंने काफी दिन पहले एक I was surfing the internet. मैंने एक event के बारे में देखा था and it's a very nice phrase I got that the most successful event is the one that achieves your goal and exceeds your expectations. एंड यही हुआ यहाँ पे. मतलब मुझे लगा कि ये दो ये ऑनलाइन इवेंट है. आई डोंट थिंक सो ये कुछ ज्यादा ऐसा होगा. वीडियो ऑफ रखेंगे. इट विल बी समथिंग लाइक अ नॉर्मल फेज और असाइनमेंट्स पूरे करेंगे ऑफ कोर्स. लेकिन ये अलग ही सीन हुआ. तीन दिन पहले आई वेंट देयर. आई वेंट टू दिस डिपार्टमेंट. तो मैंने आई सॉ माय फ्रेंड्स माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स कंप्लीटली टैंड हो चुके हैं धूप में गर्मियों में. दे आर कम्युनिकेटिंग running here and there, charging their phones, Wi-Fi ki talash mein, makeup kar rahe hain. Matlab, they were doing all along. Ab maine dekha, what is this? Ye kis liye kar rahe hain? So they are just, the answer was for the house. Mere aankhon mein half filled tears the. Ye house, acha. Ye itni dhoop mein, metros mein travel kar ke, yahan tak aake. I mean, unke face mein, I saw the spark. तो ये जो स्पार्क है ना, ये मैंने भी अपने आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन. तो व्हेन रिस्पेक्टेड नाहिद जहूर मैम ने अनाउंस किया कि विनर इज आज़ाद हाउस, तो उस टाइम आई वाज कम्प्लीटली इलेटेड ओवरवेल्म्ड. मैं तो डांस कर रहा था. और क्या उन्होंने मेरा नाम लिया? ऑफकोर्स नॉट. क्या उन्होंने मेरे टीम का नाम लिया? नहीं, उन्होंने आज़ाद हाउस का नाम लिया. सो वो जो फीलिंग आई ना, I mean that feeling has just turned, I mean completely changed me. मैं अभी सुबह में ये competition, I don't think so, ये competition मैं कह सकता हूँ, ये तो एक cooperation चल रहा था. सुबह में हम compete कर रहे थे और शाम में जाते जाते हम एक दूसरे के like congratulation messages and ये सब कर रहे थे. कोई बच्चा कोई बंदा कोई friend असम से मुझे congratulate कर रहा है जो दूसरे house का है. कोई बंदा दूसरे जगह से है, दूसरे हाउस का है, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है. ऑल डे हम लोग फाइट कर रहे थे बट ऑल नाइट हम लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे एक दूसरे के अचीवमेंट्स पे. ये कैसे किया आप लोगों ने, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा. आप लोगों ने ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स ऑफकोर्स रूही मैम नाहिद जहूर मैम एंड टू नेम फ्यू, ये आप लोगों ने कैसे किया पहले तो मुझे समझ एकदम नहीं आ रहा. मैं तो कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड हूँ. मैं तो चाहूँगा कि आई विल चेरिश दिस मेमोरी फॉर एवर. और आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, इनफैक्ट लोग को ये दिखाना चाहिए जीएमआई में होना, एक्चुअल इंडिया जीएमआई में ही है. सो आई एम वेरी मच प्राउड टू बी अ लाइक जीएमआईट्स. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली एक्सपीरियंस. आई थैंक यू फ्रॉम माय साइड. ओके आई रियली फील यहाँ पर बैठे हर स्टूडेंट ने हर्षदीप से रिलेट करा है बिकॉज जो इन्होंने कहा मेट्रोस में ट्रैवल करना बीइंग एन एचआर, मैंने देखा है मेरे हाउस के स्टूडेंट टू आवर्स ट्रैवल करके आ रहे हैं कि हमें अपनी वॉल मैगजीन पूरी करनी है. एंड वॉल मैगजीन का सामान लेने में स्टेशनरी पे गई हुई थी मैं एंड नीरज जो दूसरे हाउस के एचआर है. एंड जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ सोलो सिंगिंग का, हम दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं करवा था बट हम स्टॉप पे खड़े होकर नाच रहे थे कि हमारा हाउस जीता. दैट फीलिंग विच हर्षदीप ट्राइड टू एक्सप्लेन इज ट्रू. एंड नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी एक और एचआर का नाम आ रखा है अजरा नजीम, ये अंसारी हाउस के एचआर है. आई फील हर एचआर के अंदर फीलिंग्स अभी आ रही है कि हाँ हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, हम बताना चाहेंगे. अजरा आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी प्रोफेसर नाहिद जहूर मैम जो की हेड है. देन मैं रूही मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तबस्सुम मैम का, सारे सीसीए कोऑर्डिनेटर एनएसएस ऑफिसर्स का, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हाउस
कोऑर्डिनेटर्स का, हाउस एडवाइजर्स का, जुबैर सर एंड अजीज सर, जिन्होंने हमारी रात के 12-12 बजे तक मीटिंग्स लेके हम लोगों को इतना मोटिवेट करा कि आप लोग कर सकते हैं, इवन दो ना कुछ नहीं मिलेगा, सारे कॉम्पिटिशन्स तो हम ही जीतेंगे, बट फिर भी उन्होंने हमें मोटिवेट करा, सारे काम हमारे लिए ऑर्गेनाइज करे। और मैं जबकि इतनी दूर रहती हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन ही सब बच्चों को बोलती थी और बच्चे वहां पे ऑफलाइन जाके काम करते थे। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती थी, कभी ये नहीं कहते थे कि आप तो कभी आ ही नहीं रहे हो। और मैं कभी अभी तक इस कॉम्पिटिशन में जीती नहीं हूँ, बट मेरे हाउस के बच्चे जीते, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मुझे उस टाइम इतनी खुशी हो रही थी जब भी अनाउंस हो रहा था कि आप अंसारी हाउस जीत रहा है, तो ये फीलिंग तो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं जा सकती है। अब एहसास होता है कि टीचर्स क्या फील करते होंगे, उनके स्टूडेंट, उनके जब तलबा एक किसी मुकाम तक पहुंचते होंगे, और ये जिंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो कभी हम भूल ही नहीं सकते। इसने हमें बहुत सारे खुशगवार लम्हात दिए हैं। बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अभी, इतना सारा है। तो मैं सिर्फ आखिर में सबको शुक्रिया बोलना चाहूंगी, अपने हाउस के हर एक बच्चे को जिसने मुझे हेल्प करी, मेरे हाउस को हेल्प करी, और सारे टीचर्स ने हेल्प करी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजरा, आपने वापस सबके दिल की बात रख दी कि हाउस एडवाइजर्स ने जितनी रात रात तक बैठ के हमारे साथ काम करा है, कितने हाउस एडवाइजर छुट्टी वाले दिन भी आए हैं, और बहुत से तो आज भी लगे हुए हैं कि कल की पॉल मैगजीन अच्छी हो जाए। तो हाउस एडवाइजर्स के लिए तो एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज है ही। एंड अभी नेम्स आने रुक गए हैं, मे बी स्टूडेंट्स भूल चुके हैं कि अगर आपको अपने एक्सप्रेशन देने हैं तो प्लीज अपना नाम और साथ में एक्सप्रेशन लिख दीजिए, ठीक है? दो और एक्सप्रेशन लेने के बाद हम इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। सो मीनवाइल मैं बोलना चाहूंगी कि मैं भी अपने हाउस एडवाइजर्स से बहुत ज्यादा उनकी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इतने एफर्ट करा और हमें गाइड करा, क्योंकि एज स्टूडेंट्स हम शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना उन्होंने स्टेप स्टेप पे बैठ के हमारा एक्सेंट ठीक कराया, हमारी प्रोनंसिएशन ठीक कराई। तो थैंक यू टू ऑल द हाउस एडवाइजर्स, एंड खुशबू मैम, अर्जित सर का तो मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगी। और किसी को बोलना है तो एक्सप्रेशन में अपना नाम दे सकते हैं। Yes, sure. तो मुझे ये पहले जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया तो मुझे लगा सब कुछ तो ऑनलाइन है, तो यहाँ तो कुछ इवेंट्स ही होने, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे पास आउट कर चुके थे, उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ऑनलाइन तो सुन के मैं तो रह गई कि ये तो सब कुछ होगा ही नहीं, बट नाउ ये सब हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। तो आई लव ऑल दिस, और थैंक्स टू ऑल टेक्निकल टीम ऑल्सो जो उन्होंने बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ये सब ऑनलाइन कर पा रहे हैं, अदरवाइज सब तो मजे रह ही जाते। थैंक यू ऑल। ट्रू, वेरी ट्रू सवालिया। एंड और किसी ने बोलना है, वरना हम अपने इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। अक्षत सिंह, अनदर एचआर, अब अजमल हाउस कुछ बताना चाहेगा इतनी विंस के बाद? अजमल हाउस, पहले तो थैंक यू यार तरु, बहुत बढ़िया एंकरिंग आप लोगों की, और बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और पहली बार मुझे लगता है कि ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मुझे इतना रिस्पॉन्सिबल फील हुआ, और पूरे हाउस को लेके चलना, बहुत लोगों ने हेल्प की। मतलब आई वुड लाइक टू कोट दैट, फ्रॉम स्ट्रेंजर्स टू नोन टू टीम टू फ्रेंड्स एंड नाउ फैमिली, सो दिस इज द कंप्लीट सर्कल वी फील लाइक। और मतलब बहुत लोगों ने मदद की, कोऑर्डिनेटर्स, ये कंपटीशन एक मतलब ऐसे समझिए कि कंपटीशन नहीं था इसमें, हम कंपटीशन के टाइम भी कंपटीशन कर रहे थे, कॉपरेशन कर रहे थे, इवन दूसरे हाउसेस के बच्चे थे उनके पास जो मतलब रिसोर्सेस थे उनका हम यूज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि जो है हमारा हाउस हमारा हाउस हमारा हाउस, कॉपरेशन की एक जो भावना बन के आई है। और फिर मैम से बात हो रही थी मेरी, अंजली मैम मेरी एडवाइजर है, रमा सर मेरे एडवाइजर है, बहुत हेल्प किया उन्होंने, मतलब यहाँ तक कि रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट का जो भी होता था ये लोग देखते थे, वॉल मैगजीन की टीम ने बहुत काम किया, और इवन इवन जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत रिहर्सल बहुत मेहनत करी। और मतलब आते आते तो वैसे मैं एक शायरी लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन कंप्लीट हो नहीं पाई है, मैं 3 लाइन है मैं सुना देता हूँ, अगर किसी को कम्प्लीट करना हो तो कम्प्लीट कर सकता है। शायरी ये है कि हर अल्फाज लबों से कहते नहीं, हर अश्क आंखों से बहते नहीं, CCA NSS कैम्प का बस इतना सा फसाना है, ये रिश्ते दिलों के रिश्ते हैं और हर रिश्ते को रिश्ता कहते नहीं। थैंक यू।
आपने कहा था आपकी शायरी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन दिल को फिर भी छू गई, बहुत अच्छी शायरी। और मैं तो ये मानना चाहूंगी कि आपने अभी मेरी एंकरिंग की तारीफ करी, इसके लिए सारा क्रेडिट जाना चाहिए तबस्सुम मैम और रूही मैम को। इन्होंने हमारी रात रात तक बैठ के और इनफैक्ट आज सुबह भी हमारी रिहर्सल्स लिए, इतनी हमारे साथ एफर्ट्स डाले हैं। रूही मैम को भी बहुत बड़ा थैंक यू। नेक्स्ट नायला का मैसेज आया हुआ है कि नायला बोलना चाहेंगी, ये सीआर है और हमारे सब्जेक्ट एसोसिएशन में भी पोजीशन होल्डर है। नायला आर यू देयर? यस यस एम आई ऑडिबल? लेके चला मैं सभी हाउसेस को, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नाहिद मैम के शुक्रिया करने के बाद सबका शुक्रिया करूंगी कि इतना कोऑपरेट करा, इतने सारे चेंजेस, इतना सारा कोऑपरेट करके लिस्ट बनाना, चीजों के लिए करना। जो कैंप से पहले का एक्सपीरियंस था वो बहुत ओवरवेलमिंग था, मुझे पता है। मैंने चार चार बार लिस्ट अप्रूव करवाई है कि चेंज आया था फिर देख लो ये वो, तो बहुत कुछ सीखा है हमने। मैं अपने हाउस का, मुजीब हाउस का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। वो लोग अभी भी वॉल मैगजीन का काम कर रहे हैं इस इवेंट के साथ, तो हमने टीम स्पिरिट सीखी है, हमने एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीखा है, हमने ये सीखा है कि किस तरीके से इट्स नॉट नायला, इट्स नॉट नीरज, इट्स नॉट नईमुल, इट्स द मुजीब हाउस फॉर अस इंस्टेंस, फॉर आर सेल्स दैट मैटर्स। तो वो सब सीखना, और इंशाल्लाह हम लोग हमारे स्कूल में भी जब जाएंगे हम इस चीज को याद रखेंगे। ऑन दैट नोट मैं रूही मैम का, तबस्सुम मैम का, हमारे सारे कोऑर्डिनेटर्स का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बहुत कॉन्फिडेंस दिया है और हमेशा मोटिवेट किया। रही सा मैम ने, सबने मोटिवेट किया कि तुम लोग करो, तुम ठीक है, गलती हुई तो उसके ऊपर भी सिखाया। एंड नॉट टू फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज दे आर माई एडवाइजर्स, सविता मैम एंड सर तौसी सर, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया। थैंक यू सो मच। एंड माय हाउस, माय टीम, माय हाउसमेट्स एंड एवरी अदर हाउस, कांग्रेचुलेशंस फॉर अ सक्सेसफुल इवेंट। थैंक यू नायला। एंड आप जब अभी सारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए कह रहे थे, मुझे याद आया कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही तंग करा शायद आरिफ सर को, और हम थोड़े एचआरज ने भी कि सर वेबएक्स पे और मीटिंग मत रखो सर, ऐसे करते हो, सॉरी सर हमने इतने डिस्टर्ब करा, और आपने इतने पेशेंटली हम सबको सुना, हमारी सजेशन सुनी और हमें बताया क्यों नहीं हो सकता था वो। थैंक यू सर साथ रहने के लिए एंड पूरे इवेंट को अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, टेक्निकल टीम के बिना तो ये ऑनलाइन हो ही ना पाता। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन जो आ रहा है हमारे पास वो है अरफा, हमारी एंकर। थैंक यू तरु, यहाँ पे सबका शुक्रगुजार हूँ, और लेकिन सब एडवाइजर और सबका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार आप सभी एचआर का भी हूँ। आप लोगों ने भी बहुत 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 मेहनत की है। अजरा हमारी एचआर हैं और बहुत अच्छी एचआर हैं, और इस अजरा ही की तरह सारी एचआर भी शायद बहुत अच्छी हैं। अजरा ने इतनी मेहनत की है, हमें सपोर्ट दिया, एक साथ रखा, हमारे हर टैक्स का, हमारे हर टाइम का, उन्होंने हमेशा अपने वैल्यूबल टाइम से टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया है। तो मैं सभी एचआर का, सभी एडवाइज़र का, कोऑर्डिनेटर का, अपनी मैम का, हेड मैम का, सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप एच आर को थैंकफुल कह रहे हो, मैं बीइंग एन एच आर और आई फील सारे एच आर ऐसा फील कर रहे होंगे कि हम एच आर अकेले कुछ ना कर पाते अगर हमारे पास सी आर, जे सी आर, और मैं तो लकी थी कि मेरे पास एक अनऑफिशियल सी आर और भी थे, हमारे दो सी आर थे, दोनों सी आर और जे सी आर अगर साथ ना होते, हमारी पूरी टीम साथ ना देती, अगर आप कोऑपरेट ना करते तो फिर हम तो कभी बेस्ट अपने हाउस का निकाल के ही ना ला पाते। थैंक यू एवरी वन। एंड इसके साथ अब हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्रेशंस को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। मुझे तो लगता है कि अगर हमें पूरा दिन भी दे दिया जाए तो भी डिस्कशन एंड ही ना हो, हमने इतना एंजॉय जो किया है इस इवेंट को। एग्रीड सवालिया, इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो नाउ एज दिस इवेंट हेड्स टुवर्ड्स द एंड, I am caught up in a quote by Martin Luther King. No duty is more urgent than expressing gratitude. Who can do justice to this job better than the one who has kept a close watch on all the events? Our beloved CCA coordinator, Dr. Raisa Khan ma'am. We all are familiar with ma'am as she is a respected assistant professor in our department, and ma'am has several papers published under her name. We would like to welcome ma'am with some poetic lines for which I would like to call Arfa. तारीफ के मोहताज होते हैं कुछ लोग,
तारीफ के मोहताज होते हैं कुछ लोग, क्योंकि फूलों पर भी फूलों पर कभी इत्र लगाया नहीं जाता। With this, we would like to hand over the stage to you, ma'am. Thank you so much, Taru and Abha. Ma'am, am I audible? Visible as well? Yes, ma'am. You are audible and visible. Ma'am. Thank you so much. So first of all, thank you so much for providing me an opportunity to offer vote of thanks to the validatory program of CCA and NSS on behalf of Department of Training and Non-Formal Education. I, Dr. Reza Khan, would like to express my gratitude to Almighty God, Allah, for making this event a grand success. I would like to express my heartfelt gratitude to our beloved head of department, Professor Nahi Zahoor, for her continuous support and motivation to make this event a grand success. I would like to extend a very hearty vote of thanks to our guest and speaker of the day, Professor Zubair Menai, for his thought-provoking lecture. Further, I am grateful to all the speakers invited for the event for their wonderful and insightful deliberations. I am very much thankful to all the judges. Despite their busy schedule, they take out time to grace the event with their presence. My generous thanks to NSS officers Dr. Fatima and Dr. Arif Muhammad, and CCA coordinator Dr. Tabassum Naqi for their unwavering support and guidance in successfully organizing the event. Such an event cannot happen overnight. These events required planning and execution and could not have occurred spontaneously. We have been fortunate enough that the event is supported by all the house advisors who have consistently gone above and beyond their comfort zone for making this event a grand success. I would like to express my gratitude to all house advisors of all houses. I pay my sincere thanks to all faculty members of IAST who attend the event and encourage us with their words of appreciation. I am very much thankful to Professor Guruji for gracing us with her presence. I would also like to express my gratitude and appreciation to the technical team of Dr. Mahmood Ali, Dr. Arif Muhammad, Dr. Muhammad Tanveer and Asha Muhammad for their unwavering support and technical guidance. Without their cooperation and support, it would have been impossible to conduct the event successfully in online mode. I am also very grateful to Jishan Zameer sir for providing musical assistance to our student. I also appreciate the efforts and thankful to the members of the subject association, vice president, general secretary, joint secretary, and all the HR, CR, JCR of all houses for their hard work and dedication to coordinate the event beautifully. I'm also very much thankful to all office staff of IASC who works enormously behind the scene towards successful execution of the program. A special thanks to all devoted participants and viewers of the event. The most excellent and beautiful things in the world are not visible or even touchable. It must be felt by heart. Once again, my heartfelt thanks to all for being with us during the event. Thank you so much. Assalamu alaikum. मैम आपने सबको थैंक यू बोला लेकिन आप उसमें एक नाम भूल गए आपका खुद का. मैम यू थैंक एवरीवन बट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द सीसीए इवेंट सो वेल. इसी के साथ वेलकम मैम. इसी के साथ लो अलविदा तुम्हें कहने की साथ आ गई. लो अलविदा तुम्हें कहने की साथ आ गई. दिल को था जिस बात का धड़का वो नौबत आ गई. इसी के साथ जामिया के किसी कॉरिडोर में फिर आप सबसे मुलाकात होगी, वरना कल वॉल मैगजीन के टाइम तो मिलेंगे ही पक्का. तो वापस आप सबसे मुलाकात होगी. थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टिल द एंड. वी ऑल द थ्री एंकर्स एंड कोऑर्डिनेटर्स थैंक यू फॉर दैट. एंड नाउ आई विल प्रे और होप दैट यू हैव अ हैप्पी एंड नाइस डे अहेड. थैंक यू एवरीवन. द सेशन एंड्स हियर. Thank you, Taru. बस एक लास्ट अनाउंसमेंट मैं कर दूं. शादमा मैम की कॉल आई थी मेरे पास. तो जो वॉल मैगजीन का हमारा इवेंट होगा वो भी वेबएक्स पे ही हम होस्ट करेंगे और उसका लिंक होपफुली यही लिंक हमारा रहेगा. अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे.
तो ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। और एक लास्ट चीज मैं भी कहना चाहती हूँ, सारे एचआर से रिक्वेस्ट है कि आज आज ही सातों दिन की अटेंडेंस मुझे कंपाइल करके भेज दें। सर को भेज दें या मुझको भेज दें? थैंक यू। यस मैम, ये वॉल मैगजीन 2 बजे से ही है कल? जी सर, जी मैम, जी जी 2 बजे से। थैंक यू जी मैम, 2 बजे से ही है। ओके ठीक, बहुत शुक्रिया सबका। नाइट मैम आपका बहुत शुक्रिया, पर्सनल बहुत शुक्रिया, रूही बाजी ने कॉन्स्टेंटली सब